सोयाबीन की फसल पर अंतिम स्प्रे। जब हमारी सोयाबीन की फसल 60 से 70 दिन के आसपास की होती है तो इस समय फल्ली छेदक इल्ली सुंडी का प्रकोप होता है। फंगस पर लीप स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यूड और हल्का सा पीलापन और दाना इस समय भराव ले रहे होते हैं। तो इस समय यदि हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको अंतिम स्प्रे पर एनपीके 0050 डेढ़ किलोग्राम लेना है, बोरॉन 20% वाली 150 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 300 ml और जो कवच फंगीसाइड आती क्लोरोथालोनेल है इसको आपको लेना है 400 ग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि 60-70 दिन की फसल है और इल्लियों का कम प्रकोप है तो आप प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है तो प्रोफेक्स सुपर की जगह आप सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो ले सकते हैं, अदामा की फिलेथोरा, बाराजाइट या फिर कोराजन, इनमें से कोई एक कीटनाशक को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। सभी प्रकार के कीट कंट्रोल हो जाएंगे, फंगस डिजीज बीमारी एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगी और स्पेशल फलियों का जो दाना है उसका साइज भी काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। फलियों का वजन, चमक, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को 150 लीटर पानी घोल करके एक एकड़ में स्प्रे आप कर सकते हैं। धन्यवाद।